सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस ढंग से आप एसआई की कटौती है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्च महीने में ही ये बढ़ा सकते हैं एसआई की कटौती। तो एसआई की कटौती बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एसएसओ पर लॉगिन होना है और वहाँ पे आपको स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का जो न्यू पोर्टल है उस पर जाना है। ठीक है, पुराना है वहाँ पे आपने कर दिया है तो भी आपको न्यू पर वापस इसमें रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। यदि आपको ये ऐप नजर नहीं आता है तो आपको अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक करना है, जिससे सारे ऐप है वो आपको शो होने लगेंगे और वहाँ से आप इजीली इसमें लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मुझे शो होने हो रहा है और यहाँ पे मैं न्यू वाले में जाता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा इसका जो ऐप है वो खुल जाएगा और इसके अंदर क्या प्रोसेस है वो सारा हम जानेंगे और बहुत ही सरल प्रोसेस है, आप इजीली इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है कि यदि आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च 2 अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति एसआईपीएफ के नए पोर्टल पर करें, और यदि आप द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल पर पूर्ति कर दी गई है तो भी आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर आवेदन करें। वही मैंने आपको बताया था अभी कि आपने यदि पुराने पोर्टल पर आवेदन कर दिया है तो भी आपको नए पोर्टल पर पुनः आवेदन करना है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे सारी आपको डिटेल नज़र आएगी, तो ये सारी जानकारी है आपको पता होगा। अब यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा है वो है एसआई कटौती बढ़ाना। तो आपको क्या करना है, इस वाले में जाना है, देखिए एनपीएस सबसे पहला, उसके बाद में एसआई, एसआई पे जाके आपको करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपको आपको पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम और सारी डिटेल है वो जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे जाना है, क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नया पेज नजर आएगा। उस पेज पे क्या करना है, देखिए इस पेज पे आके आपको डिक्लेरेशन में जाना है। देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है ऑप्शन वहां पे जाएंगे। जैसे डिक्लेरेशन पे जाएंगे यहाँ पे आपको आपकी जानकारी है नजर आएगी, एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय नेम, फादर, हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वारी सारी जानकारी आप देख सकते हैं और चेकअप कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है आप अपने डीडीओ द्वारा संशोधन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉमिनी डिटेल। देखिए नॉमिनी डिटेल के अंदर आप देख लें आपने जिसको भी नॉमिनी किया है उसमें उसका जानकारी है वो बिल्कुल सही है या नहीं, गलत है तो आप वापस इसमें संशोधन करवा दें। मैंने अपनी सारी जानकारी है वो अच्छे ढंग से देख ली है और ये सही है। और यदि आप किसी प्रकार का शेयर है वो चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे आप अपनी वाइफ को 100% देना चाहते हैं, डॉटर को, सन को, तो उसके हिसाब से आप अपने परसेंटेज को बांट सकते हैं। मैंने एक पर ही सारा 100% कर रखा है। आप अगर संशोधन करना चाहते हो यहाँ पे पेंसिल वाले पे क्लिक करके इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना चाहता, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज, यानी किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है। तो देखिए फर्स्ट है टीबी, तो टीबी से अगर पीड़ित है तो आप यस लिखना है, अन्यथा नो, तो नो कर देता हूँ मैं। फिर अस्थमा, नो, मेरे लिए सब नो है तो मैं नो कर लेता हूँ। कैंसर, नो। डायबिटीज, नो। एचआईवी, नो। आर यू डिसेबल फॉर ब्लाइंड, नो। ठीक है, सारे पे नो नो कर दिया। फिर आपको पूछा है कि लिव अवे ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, यानी आपने बीमारी के कारण कोई आपने छुट्टी ली है तो आप किस डेट से किस डेट तक आपने छुट्टी ली है वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल, यहाँ आपका मेन काम होगा एसआई की कटौती बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक पे को चेक करना है, यदि आपको गलत नजर आ रही है तो आप इसमें पहले संशोधन करवाएं, उसके बाद ही आप इसमें एसआई कटौती बढ़ाएं ताकि आपके बेसिक पे के अनुसार ही आपकी एसआई कटौती है वो बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मेरी बेसिक पे जो शो हो रही है उसके अनुसार देखिए करंट प्रीमियम जो मेरा चल रहा है वो 3,000 का चल रहा है और प्रोपोर्शनल प्रीमियम यानी आप कितनी कटौती बढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दो, जो बेसिक आपकी होगी उसके अनुसार शो होने लगी और इसी में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 3,000, 5,000 और 7,000 शो हो रही है, तो मैं अपनी कटौती जैसे एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूँ, दो स्टेप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैं एक ही स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूँ, 3,000 से 5,000 करना चाहता हूँ, तो 5,000 पे क्लिक कर देता हूँ। तो अपने आप ये इंक्रीमेंटल प्रीमियम शो होने लगेगा, यानी 2,000 है वो बढ़ा रहे हैं, हम 3,000 से क्या कर रहे हैं 5,000। ठीक है, फिर ईयर ऑफ रिस्क, यहाँ पे आप 2022 जैसे अभी वर्तमान में कर रहे थे 2022 को सेलेक्ट कर दो। उसके बाद में एज ऑफ नेक्स्ट बर्थडे ये अपने आप आएगा, ये
ऑलरेडी पहले से इनेबल है, आई डिक्लेयर टिक मार्क लगा हुआ, आई डिक्लेयर दैट अबव सबमिटेड इन्फॉर्मेशन इन करेक्ट, ठीक है। अब आपको सबमिट विद आधार, यानी आपके आधार पर ओटीपी आएगी और वहाँ पे आप इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सबमिट विद आधार, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी और ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा। तो ओटीपी मेरे मिल गई है मुझे, इस ओटीपी को मैं फिल करता हूँ। ये मैंने ओटीपी फिल कर दी है, अब सबमिट ओटीपी, ठीक है, सबमिट ओटीपी कर देता हूँ। तो इससे ये पूरी तरह से हमारा फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली विथ एप्लीकेशन नंबर ये, ठीक है, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो और ओके। अब देखिए योर एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना चाहता है तो देखिए डाउनलोड का ऑप्शन नजर आया, यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं। तो देखिए डाउनलोड होने के बाद में इस टाइप की प्रिंट आप निकाल के अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं और मार्च महीने से आपकी जो नई कटौती है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तरीका है एसआई कटौती को बढ़ाने का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।